हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको डीप फ्रीजर का डेमो दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको डेमो दे रहा हूं, ब्लू स्टार डीप फ्रीजर का डेमो दूंगा, जो कि 500 लीटर का रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स इसके बारे में जानने की डीप फ्रीजर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, डीप फ्रीजर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे को जरूरत होती है -24 डिग्री -18 डिग्री की जरूरत। क्यों? क्योंकि हम जो डीप फ्रीजर में प्रोडक्ट रखते हैं, आप जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रोजन आइटम्स हो गए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हो गए, ज़्यादातर शॉप्स में ये यूज़ होते हैं। शॉप्स में यूज होते हैं, जैसे आपके किराने की दुकानें हो गई, चिकन शॉप्स हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फैक्ट्रियस हो गई या फिर आपके होटल्स वगैरह हो गए, वहाँ पे डीप फ्रीजर यूज करे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू दूंगा, ब्लू स्टार का दूंगा। ब्लू स्टार एक जाना माना ब्रांड है और बड़ा ब्रांड है, जो कि कमर्शियल चीज़ों में काफ़ी काम करता है। इनके बड़े बड़े कूलर्स वगैरह भी आते हैं, बड़े बड़े एसी भी आते हैं। तो जो आज मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, 500 बिगर कैपेसिटी लीटर का डेमो दे रहा हूँ, जो कि आपका 3 स्टार रेटिंग के अंदर आ रहा है और 2024 का मॉडल है। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी स्टार रेटिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको बोल हम डीप फ्रीजर। तो इस बार क्या है, इस बार इसमें आपको स्टार रेटिंग दी गई है। तो मैं आपको इसका नजदीक से दिखा देता हूँ स्टार रेटिंग लेवल। तो इसको हम बोलते हैं 500 लीटर, बट यहाँ पे इसकी नेट कैपेसिटी, उन्होंने आपको ये जो स्टोरेज वॉल्यूम है इसका, जो टोटल 500 लीटर का, उसको नेट कैपेसिटी में बांट दिया है। तो यानी जो इसकी नेट कैपेसिटी है 457 लीटर की, इसकी नेट कैपेसिटी यानी 457 लीटर आप इसमें स्टोरेज कर सकते हो। अगर इसके स्टार रेटिंग लेवल की बात करें तो 3 स्टार के साथ है। ये यूनिट पर ईयर जो ये लेता है, एनर्जी एफिशिएंसी जो बताई है यूनिट पर ईयर, तो 1645 इसकी यूनिट पर ईयर है। तो साइड में मैं आपको इसका स्टिकर दिखा देता हूँ। साइड में अगर स्टिकर की बात करते हैं, तो ये वाला आपका हार्ट टॉप फ्रीजर बोलते हैं इसको, जिसका मॉडल नंबर है CF3 500 MEW मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रेफ्रिजरेंट होती है फ्रेंड्स, इसमें आपको रेफ्रिजरेंट मिलती है R290 रेफ्रिजरेंट, जो कि 75 ग्राम के करीब रहती है। तो इन्होंने यहाँ पे ग्रॉस और स्टोरेज वॉल्यूम भी लिखा हुआ है, 484 ग्रॉस और स्टोरेज वॉल्यूम 457 लीटर के करीब इन्होंने लिखा हुआ है। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है आपका। ये देखते हैं आप, तो यहाँ पे इसका ये कंप्रेसर होता है, जहाँ से आपकी हीट एग्जॉस्ट होती है। जब ये कंप्रेसर आपका चलता है, तो यहाँ से हीट पास होती है, इसमें इधर से भी पास होती है और इसके बैक साइड में भी आपको दिखता है कि इसके बैक साइड में भी हीट पास होती है, जहाँ से इनको जाली टाइप की बनाई गई है। तो बात कर लेते हैं इसके हार्ड टॉप की। हार्ड टॉप की मैं क्या बात कर रहा था, कि इसका ये जो टॉप है फ्रेंड्स, वो है आपका लेदर फिनिश में, यानी ये लेदर फिनिश में है, स्क्रैच प्रूफ होता है। अब इसमें स्क्रैच प्रूफ तो है ही है, तो इसके जो दो डोर है आपके, दोनों डोरों में आपको लॉक सिस्टम मिलते हैं। आपको इसमें भी लॉक सिस्टम मिलता है और आपको इसमें भी लॉक सिस्टम मिलता है। थर्मोस्टेट की बात कर लेते हैं, इसमें थर्मोस्टेट जो है इसका, इसमें एक रेड कलर की लाइट है और एक ग्रीन कलर की लाइट है। ये होता है फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है इन्होंने ऑन ऑफ का, और ये दे रखा है आपको कूलिंग का। इसमें दो टाइप से कूलिंग करता है फ्रेंड्स, एक तो कूलर वाला काम करता है और एक आपका फ्रीजर का, प्रॉपर फ्रीजर वाला काम करता है। आपको खाली एयर के लिए चाहिए यानी नॉर्मल फ्रिज चाहिए, तो फ्रिज हो गया। आपको पूरा का पूरा फ्रीजर चाहिए, तो फ्रीजर भी ये बन सकता है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको कैस्ट्रो व्हील भी मिलते हैं, इसमें आपको 4 तरह के लेफ्ट टू राइट और इसके साइड कॉर्नर टू कॉर्नर 4 व्हील मिलते हैं, कैस्ट्रो व्हील, जिसको आप इजीली टू ऐसे इस टाइप से हिला के इधर से उधर कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज की। तो ये फ्रेंड्स इसका इंटरनल स्टोरेज है, इसमें आपको एक ग्रिल रैक मिलती है, जो कि स्टोरेज के लिए होती है, और इसमें आपको चाबी भी मिलती है 2, और एक ये आपको आइस क्रिस्पर मिलता है, जिससे कि जैसे कि आइस साइड में जम जाती है, तो उसको निकालने के लिए आइस भी मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें लेयर बनी हुई है, 3-4 लेयर। इससे क्या होता है, ये कूलिंग को बनाए रखता है। प्लस इसके अंदर जो, अगर आप हाथ लगा के देखते हो, तो अंदर भी इसकी जो पफिंग, इसको जो बोलते हैं, ये भी आपकी लेदर पफिंग दे रखी है, जिससे कि इसकी कूलिंग बनी रहती है। आपको चाहे देखेंगे तो इसके डोर जो है, इसके डोर में भी आपको काफी हैवी पफिंग दी गई है और गैसकेट दे रही है, जो कि रिमूवेबल गैसकेट होती है। इंटरनल में अगर आपको दिखाऊं, तो इंटरनल में यहाँ पे इसका ये होता है फ्रेंड्स, ड्रेनेज का। मान लीजिए आपका डीप फ्रीजर आपको कभी क्लीन करना हो, तो ये वाला बटन होता है, इसको आप अगर क्लीन करेंगे तो सारा का सारा पानी आपका यहाँ से आ जाएगा इस टाइप से। तो ये जो होता है, इसको आप खोल देंगे तो सारा ड्रेनेज हो जाएगा यहाँ से, यानी ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करते हैं वारंटी की, तो कंपनी ने इसमें आपको टोटल 4 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रखी है।
तो इसमें 4 साल के आपको माइंड फ्री वारंटी है, 4 साल तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के द्वारा आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलेगी, कुछ भी पार्ट्स वगैरह खराब होता है तो वो सब चीज़ आपका चेंज होगा। तो फ्रेंड्स ये था ब्लू स्टार का 500 लीटर का फ्रिज जिसकी नेट कैपेसिटी 457 लीटर के करीब है। तो ये स्मॉल रिव्यू था, अगर आपको इस डी फ्रिज के बारे में कुछ भी पूछ रहा हूँ तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।